टोडी जर्नलिस्ट। ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं कि जब घड़ी संकट की हो तो हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जब भी कोई आपदा आती है और हम उससे सुरक्षित निकल जाते हैं तो सिर्फ याद रह जाता है वो समय कि हमने किस तरह संगठित होकर एक दूसरे का ख्याल रखकर इस चुनौती का मुकाबला किया था। आज हम कोरोना के जिस संकट से गुजर रहे हैं, ऐसे में हमें जरूरत है एक दूसरे का ध्यान रखने की और सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की। सरकार द्वारा 5 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है, जिनमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड बिहेवियर शामिल हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हैं तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। हमें कोविड को लेकर क्या सावधानी रखनी है, कौन से टेस्ट कराना है, होम आइसोलेशन में कैसे रहना है, अस्पताल में कब भर्ती होना है, ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़नी है, वैक्सीन कब लगवाना है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर वार्ष्णेय से टोल फ्री नंबर 1800-1157-767 और 01123-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #askir पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 352,000 या यूं कहें कि 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि बढ़ते संक्रमण के बीच अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें। देखिए, बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इस समय जो वायरस का स्ट्रेन है वो तो साइंटिफिक भाषा है, लेकिन वो हाईली इन्फेक्शस स्ट्रेन है। और अगर आप एक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको इन्फेक्शन है और अगर आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया अपने को जी, तो आपको इन्फेक्शन होने की संभावना है। और सिर्फ एक ही तरीका है बचने का कि आप हमेशा जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। घर के बाहर निकलते हैं आप अच्छे तरीके का मास्क पहने, सही तरीके से मास्क पहने, अपने नाक मुंह को बंद रखें। जहां तक कोशिश है कि आवश्यक कार्य बहुत ही है तभी बाहर जाएं। अगर कोई भी किसी तरीके की, चाहे आपकी ऑफिशियल मीटिंग हो, चाहे ग्रुप मीटिंग्स हो, चाहे आपको कहीं भी सामाजिक है, जितना पॉसिबल हो सकता है इस समय क्योंकि ये बहुत ही भयावह स्थिति चल रही है, उनको अगर नहीं करने की जरूरत है तो ना करें। कोई धार्मिक स्थान में है वहां ना जाएं। जितना अपने को आइसोलेट कर सकते हैं जी, वही एक तरीका है, क्योंकि देखिए चेन रोकने का कोई भी तरीका नहीं जी। अगर हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, सामाजिक गतिविधियों में जाते रहेंगे, बाजारों में जाते रहेंगे, भीड़ करते रहेंगे, तो हम रोक नहीं सकते। और कई, जैसा हम पूरे देश में देख रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट जब लगातार इस समस्या से नहीं सुलझ रही तो लिमिटेड लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो शायद यही तरीका है कि जब हम लोगों के आवागमन को रोक सकते जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय बढ़ते संक्रमण के बीच बहुत सारे लोग इस समय और बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं डबल मास्क लगाने के लिए, तो ऐसे में डबल मास्क लगाना कितना जरूरी है और वो कितना प्रोटेक्ट करता है? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि मास्क जो है वो काफी लोग सही तरीके से नहीं लगा। देखिए, मास्क का हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, ये निश्चित है कि जो हमारे N95 मास्क होते हैं वो काफी इफेक्टिव होते हैं और उनकी एफिकेसी लगभग 95% होते हैं, क्योंकि वो हमारे नाक और मुंह को अच्छी तरीके से ढक लेते हैं, वो टाइटली फिट होते हैं।
लेकिन चूंकि वो कॉस्टली मास्क होते हैं तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या उन लोगों के लिए हम एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका इस्तेमाल जी। और अब तो काफी मात्रा में अवेलेबल भी हैं बाजार में। हाँ, फिर हमारे सर्जिकल मास्क होते हैं। देखिए सर्जिकल मास्क क्या होता है कि वो ढीले रह जाते हैं, क्योंकि लोग उनको लगा तो लेते हैं, पर अगर आप देखेंगे जी बिल्कुल मास्क से नीचे रहता है, नाक और मुंह से हवा निकलती है जी बिल्कुल, तो वो मास्क जो है वो टाइटली होना चाहिए कि आप ये फील करें कि भाई आपके नाक और मुंह से हवा ना निकले। क्योंकि कॉटन वगैरह के जैसे कई बार मास्क लोग पहनते हैं तो वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, 50% के करीब इफेक्टिव होते हैं। तो कई बार ये होता है कि एक डबल प्रोटेक्शन कई जगह देखा गया, अगर आप एक सर्जिकल मास्क बाहर लगा लेते भीतर पहन लेते हैं और फिर ऊपर से कॉटन मास्क, क्योंकि कॉटन मास्क का देखिए एक फायदा है कि आप उसे धो सकते हैं जी, और रीयूजेबल होता है, फिर सुखा सकते हैं, 2-3 मास्क होते हैं तो वो सस्ते पड़ जाते हैं, और जो हमारे डिस्पोजेबल मास्क होते हैं जो सर्जिकल है वो 4-6 घंटे के बाद खराब हो जाते हैं, तो थोड़ा कॉस्ट फैक्टर आ जाता है। लेकिन जो भी मास्क पहने सबसे बड़ा तो ये है कि वो बहुत सही तरीके से पहने जी, आप खुद महसूस करें कि उस मास्क से आपके नाक और मुंह की हवा आपके ऊपर नहीं आ रही, तभी उसका फायदा है। अगर वो मास्क ढीले रह जाते हैं, सिर्फ आपने लटका लिया है, नाक मुंह को अच्छी तरीके से कवर नहीं किया, या थोड़ी पे लटका लिया, या नाक खुली छोड़ दिया, या कई लोग क्या है कि मास्क लगाए होते हैं लेकिन टेंडेंसी होती है उनको लगता है कि जब हम किसी से बात करेंगे तो शायद हम मास्क से बात नहीं कर पाएंगे, तो मास्क को नीचे कर लें, और यही एक खतरे की समझ लीजिए क्या जी बिल्कुल। तो जो भी मास्क पहने वो ढंग से पहने, अगर डबल मास्क ही पहन सकते हैं अगर बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा एडिशनल प्रोटेक्शन दे सकता है, और घर के भीतर अगर आप रह रहे हैं सिर्फ अपने फैमिली मेंबर हैं तब तो आपको मास्क पहनने की नहीं, लेकिन अगर घर के भीतर कोई भी अनजान व्यक्ति आ रहा है इस समय तो आप ये मान के चलिए कि वो पोटेंशियली इन्फेक्टेड हो सकता है जी। पहले तो उसकी एंट्री कम से कम करें, अगर है भी तो वो मास्क पहन के आए, आप भी घर के भीतर मास्क पहन के रहें जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। इस समय ऑक्सीजन को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारी चिंताएं भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के मरीजों में और कब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए बिल्कुल डर ज्यादा बैठ गया है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि ये जो वायरस है वो इन्फेक्शन जरूर है लेकिन माइल्ड वायरस, और 90-95% केस में ज्यादातर हल्का खांसी जुकाम बुखार गला खराब होता है और फीवर होता है हल्का, और 4-5 दिन में ये ठीक हो जाता है, और किसी तरीके की इतनी चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ जो है 5% केस में जहाँ के पेशेंट हमारे एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं, हालांकि कई यंगों में भी हो जाता है, वहां जहाँ के आपको सांस लेने में कोई तकलीफ आने लगे या 5 दिन के बाद आपका जैसे बुखार बढ़ना शुरू हो जाए, बुखार नहीं उतर रहा, उस समय अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादातर लोग ले भी रहे, पल्स ऑक्सीमीटर एक होता है उसको आप नाप सकते हैं, अगर पल्स ऑक्सीमीटर में आपका ऑक्सीजन लेवल 94 के ऊपर रहता है तो बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लगातार बुखार नहीं टूट रहा और ऑक्सीजन लेवल 90 के करीब पहुंच रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से सलाह की जरूरत जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय अगर देखें तो हॉस्पिटल्स में बेड की भी काफी समस्या आ रही है, तो क्या ऑक्सीजन घर पर भी लगाई जा सकती है, इसके लिए क्या किसी पैरा मेडिकल की निगरानी में मरीज को रखना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सारी हेल्थ फैसिलिटी हमारी काफी स्ट्रेच हो गई है, और जो हॉस्पिटल के बेड हैं जो लोग बहुत ही सिक हैं जिनको सिर्फ आईसीयू में ही मैनेजमेंट होता है उन्हीं को हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। काफी लोग घर पे भी हेल्थ फैसिलिटीज में मैनेज किया सकते हैं, या बहुत से गवर्नमेंट कोविड केयर सेंटर या इस तरीके के सेंटर भी बना रहे हैं जहाँ पे कि स्टाफ जो हमारे पास डॉक्टर नर्सेज है उनके सुपरविजन में सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है वो दी जा रही है। घर में भी बहुत से जो हमारे हॉस्पिटल चेन हैं वो घर में कोविड केयर फैसिलिटीज दे रहे हैं जहाँ पे कि वो लगातार डॉक्टर नर्सेज उनको मॉनिटर करते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, तो काफी परसेंटेज के, पहली बात तो मैं आपको पहले बता दूं कि 90-95% में ऑक्सीजन की जरूरत है ही, अगर जो 5% में उनमें भी काफी परसेंट जो है वो कोविड केयर फैसिलिटी या होम फैसिलिटीज में मैनेज किया सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ पर ये भी सवाल आता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स अभी घर पर हैं जिनका जो ऑक्सीजन का लेवल है
वो ऑलमोस्ट बॉर्डर पर हो जाता है कई बार, या थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे में हम घर पर रहते हुए कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे हम इस ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकें? हाँ देखिए, एक बहुत ही अच्छा सवाल आप पूछे। एक तो ये होता है कि भाई देखिए, अगर हमारे पास जैसे कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है, अगर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम एक तो प्रोन ब्रीदिंग होते हैं। प्रोन ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम उल्टे लेट जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जो है बैक से सोते हैं, अगर प्रोन ब्रीदिंग हम करते हैं कि भाई छाती के बल, तो उसमें एक तकिया आप अपने सिर के नीचे लगा सकते हैं, एक दो तकिए छाती पे लगा सकते हैं, एक तकिया जो है अपने घुटनों पे लगा सकते हैं, और इस तरीके से उल्टा लेट के अगर आप आधा पौन घंटे डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे काफी ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूवमेंट होने की संभावना होती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा सिक नहीं है तो जो हमारे ब्रीदिंग के प्राणायाम होते हैं, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, बहुत तेज ब्रीदिंग नहीं करनी, इसमें गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे आपने छोड़ना है। या आप घर में गुब्बारा फुला सकते हैं, फूफनी फुला सकते हैं, या कुछ स्पायरोमीटर होते हैं जिसमें लंग की एक्सरसाइज, तो इन सब से भी हमारा 4-5 डिग्री ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है और जो उसमें तुरंत के लिए मदद करता है। जी, और इसमें अगर हम देखें तो जो नेबुलाइजर्स हैं इस समय, क्या नेबुलाइजर्स की कुछ भूमिका होती है ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने में? नहीं देखिए, नेबुलाइजर के बारे में भ्रांति ज्यादा फैली हुई है। नेबुलाइजर तो देखिए एक स्पेशल मशीन है, और ये नेबुलाइजर एक दवा देने का तरीका होता है, खासतौर से जैसे अगर आपके सांस में कोई तकलीफ होती है, स्पाज्म होता है, तो इसमें हम दवाइयां डालते हैं मशीन में, और नेबुलाइजर उसकी फाइन पार्टिकल मिस्ट बना देता है जो कि सीधे आपके लंग्स में चला जाता है। तो ये दवा देने का तरीका नहीं है, ये ऑक्सीजन देने का बिल्कुल तरीका नहीं है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जी, और इस बीच बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, और सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी का, जहां से यशवंत जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यशवंत जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा एक निवेदन है कि जो टीकाकरण लगा रहे हैं उसमें पहला टीका लग गया उसके बाद दूसरा टीका कितने दिन के अंतर में लगाना चाहिए? जी दूसरा, जो महिलाएं कोरोना से ग्रसित हो जाती हैं जी, उनको क्या है टीके के लिए? पहले ये आया था कि क्वारंटाइन के बाद 15 दिन के बाद उनको कोरोना का टीका लगने के बाद में उसके बाद में उनको ये वैक्सीन लगवाना जी, चाहिए। जी हाँ देखिए, वो दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। एक तो ये होता है कि अभी जो हमारे देश में दो तरीके की वैक्सीन उपलब्ध है, एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें ये होता है कि अगर कोवैक्सीन का आपने टीका लगवाया तो दूसरा टीका आपसे 4 से 6 हफ्ते के बीच में लगाना है, और अगर आपने कोविशील्ड का टीका लगना है तो दूसरी डोज आपको 6 से 8 हफ्ते के बीच में लगाना है। और जब दोनों टीके लग जाते हैं तो उसके 15 दिन के बाद हमारे शरीर में ये एंटीबॉडी जो उसको प्रभावित होती है, जो वायरस को रोकती है, वो बनती है। ये तो रहा पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को कोरोना हो गया ऑलरेडी, तो फिर जब वो कोरोना से रिकवर हो जाए तो आइडियली उसके 6 हफ्ते के बाद फिर उनको अपना टीकाकरण कराना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उस समय उनके शरीर में एंटीबॉडी होती और फिर वो टीकाकरण उनका बेटर है कि वो 6 हफ्ते के बाद करें। जी, और डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अगर इस समय बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो विभिन्न प्रकार के टेस्ट करा रहे हैं और जिन लोगों के अंदर लक्षण हैं लेकिन आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनकी पेंडिंग है, तो उन्हें उस दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे बड़ा तो यह है कि देखिए, आज की तारीख में अगर आपको कोई लक्षण तो डरने की नहीं है लेकिन एहतियात की बहुत जरूरत। जी, अगर आपको जरा भी कुछ है तो पहले तो आप अपने को आइसोलेट कर, ये मान के कि इस समय का कोई भी इन्फेक्शन कोविड हो सकता है। आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं कोई बात नहीं, उसकी रिपोर्ट में वक्त लग सकता है। आरटीपीसीआर टेस्ट की भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि वो टेस्ट भी हमारा 70-75% से ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ पाता, और उसके ना निगेटिव आने के भी कई कारण होते हैं कि सही तरीके से टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया। बहुत अर्ली अगर आप टेस्ट कर लेते हैं, जैसे शुरू में ही मान लीजिए इन्फेक्शन है, अगर आप शुरू के 4-5 दिन में टेस्ट कर लेंगे तो उसकी संभावना निगेटिव होने की ज्यादा होती है, इसलिए टेस्ट उसको 5 दिन बाद ही गए। लेकिन इस 5 दिन में आप इन्फेक्टेड होते हैं, तो अगर आपको जरा भी कोई खांसी जुकाम बुखार गला है तो ये मानिए कि इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर में अपने को आइसोलेट कर लें,
कोई सेपरेट रूम जिसमें वॉशरूम है, अपने फैमिली मेंबर वगैरह से भी ना मिलें, ये मान के पोटेंशियली आपने, और इससे आप दूसरों को इन्फेक्शन देखें और फिर अपना जो है वो सिम्टम को मॉनिटर करें। जब आरटीपीसीआर की टेस्ट जैसी भी आ जाती है वो है, अगर आपको कोई तकलीफ होती तो फिर नेचुरली आपको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही दवा लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हाँ, सिंपल दवा जैसे पैरासिटामोल वगैरह वो तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ए के वार्ष्णेय। आप हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हम रुख करते हैं दिल्ली में चांदनी चौक का, जहां से जय अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। हेलो जय किशन जी, नमस्कार। आप ये नमस्कार जी, हम करता हूँ जय किशन जी, हमारे बहुत पुराने हर फोरम पर सोता है, नमस्कार। दूसरों को भी जागरूक करते हैं क्वेश्चन, जिससे पूरा देश जागरूक हो जाता है। मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि सभी माता पिता स्वयं भी और 18 साल से ऊपर जो सरकार का कार्यक्रम इंजेक्शन लगाने का है, वैक्सीन लगाने का है, उसको जरूर लगाएं, इसी से कोरोना जो है वो हारेगा। मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो अभी डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि स्टेरॉइड जो है खाने से जीवन रक्षक दवा है, तो क्या ये जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं क्या वो ले सकते हैं, और कितनी गोली ले सकते हैं और कब लेनी चाहिए? दूसरा मेरे क्वेश्चन ये है कि जो एक माँ, उसको अगर गर्भवती माँ ने बच्चे को जन्म दिया और उसको इसको ये कोरोना हो चुका है और वो ठीक हो गया और वो बच्चा 8-9 महीने का है और वो उल्टी भी आम करता ही है, दस्त भी करता ही, हरे पीले दस्त करता भी है, और अगर उसको हल्का बुखार है तो वो कैसे पता चले हमारे को कि भाई इसको कोरोना हो गया, क्योंकि ऑक्सीमीटर तो चेक किया नहीं जा सकता उसका, बच्चे का तो कैसे बच्चे का डॉक्टर देखेगा कि इसको ये कोरोना हुआ और इसको ट्रीटमेंट देना है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि पहला सवाल था आपका स्टेरॉइड के बारे में, डॉक्टर साहब जानना चाहते थे। स्टेरॉइड जो है बड़ी स्पेसिफिक दवा है, मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होता है कि अगर शू में आपका जब वायरस इन्फेक्शन हल्का होता है और उस समय जैसे अगर आपको कोई ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता या बॉडी में जो कुछ हमारे मार्कर होते हैं वो नहीं बढ़े होते, तो स्टेरॉइड जो है नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि वो वायरस के मल्टीप्लीकेशन को बढ़ा सकता है और वो बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए स्टेरॉइड बहुत ही स्पेसिफिक दवा है, बिल्कुल अपने आप में किसी हालत में नहीं लेनी। स्टेरॉइड का डिसीजन आपके डॉक्टर, आपकी क्लिनिकल कंडीशन और कुछ लैब पैरामीटर के टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे कि वो जरूरी है या नहीं है और किस मात्रा में जरूरी है। इसके अलावा देखिए, स्टेरॉइड के साथ दिक्कत है कि अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो स्टेरॉइड उसके लेवल को बहुत बढ़ा सकते हैं, शुगर के लेवल को बहुत बढ़ा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के लेवल को बहुत बढ़ा सकते हैं, शरीर में जो है वो पोटेशियम की कमी कर सकते हैं। तो स्टेरॉइड बहुत ही पोटेंट वेपन है और इस पोटेंट वेपन का इस्तेमाल उन्हीं को करने दीजिए जो इस वेपन को जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना। कभी भी सेल्फ स्टेरॉइड नहीं लेना। दूसरा, आपने कहा कि किसी माता को हमारे डिलीवरी हुई है और उसके बच्चे को, तो देखिए चांसेज उसके होने के इन्फेक्शन के हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चा चूंकि माँ के पास पैदा हुआ है तो उसको इन्फेक्शन होने का, लेकिन अभी भी ज्यादातर केस में बच्चों को हम बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है और यूजली उनको सिम्टोमेटिक दवाइयां, पैरासिटामोल वगैरह या थोड़ा जिंक वगैरह इस तरीके की दवाइयां या वो दे के काम चला लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे की पसलियां चल रही हैं, बुखार नहीं उतर रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, उल्टियां कर रहा है, मुंह से फीड नहीं ले रहा, तो बहुत आवश्यक है कि तुरंत ही फिर कुशल जो है बच्चों के विशेषज्ञ को दिखाएं, क्योंकि बच्चे में फिर हमारा रिजर्व बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी सीरियस भी होता है। जी, और अब हम रुक करते हैं पश्चिम बंगाल में कोलकाता का, जहां से हामिद जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हामिद जी जी सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार ऑल इंडिया रेडियो को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी बताइए क्या जानना चाहते सर, हैं सर? दो मेरा प्रश्न है सर। पहला प्रश्न ये है कि सर, मेरी पत्नी जो है वो मेरे बच्चे को फीडिंग करवाती है, वो मेरे बच्चे का उम्र सर अभी 1.5 वर्ष है जी, तो सर क्या वो वैक्सीन ले सकती है, और वैक्सीन ले सर कौन सा वैक्सीन ले,
और सर दूसरा सवाल ये सर कि मैं खुद एक बैंककर्मी हूँ जी, तो सर मुझे कौन सी सावधानियां विशेष तौर पर बरतनी चाहिए? वैसे मैं वैसे मास्क लगाता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, मगर इसके अलावा सर कुछ और विशेष सावधानियां सर जरूर बताएं सर जी। डॉक्टर, पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और जो अभी तक देखिए जो वैक्सीन की हम लोगों की ट्रायल्स हुई थी उसमें जो है 18 साल से कम उम्र के लोग और गर्भवती और प्रेग्नेंट माताओं पे ये वैक्सीन नहीं दी गई थी, इसलिए उससे अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर आप गर्भवती हैं तो वैक्सीन नहीं ले सकते, अगर आप दूध पिला रही हैं तो फिर नहीं ले सकते, हाँ अगर आप वो छोड़ दिया वो, तो फिर आप उससे वो ले। और जी दोबारा इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने ये जानना चाहे कि बैंक में काम करते हैं इसमें बहुत सारे लोग जो एसेंशियल सर्विस में जा रहे हैं, देखिए आप बैंक में कर रहे हैं, हम लोग तो अस्पताल के कर्मचारी हैं, लगातार लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा जो है वो पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन आप भी पेशेंट के तो नहीं आ रहे लेकिन फिर भी पोटेंशियल है, तो जितनी भी सावधानी है आप अच्छी तरीके से मास्क लगा सकें, अगर फेस शील्ड और ऊपर से लगा सकते हैं तो वो प्रोटेक्शन करें, अगर बैंक में अपनी सामाजिक दूरी बनाए, क्योंकि खासतौर से हम लोगों ने ये देखा कि जो हम लोग एक ऑफिस स्पेस में काम करते हैं तो वो जब क्या होता है कि जब चाय का समय हुआ या लंच का समय हुआ या कोई चीज तो हम एक साथ बैठ जाते हैं और शेयर करने लगते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, तो इस समय बहुत अगर आप अपनी सीट पर जाते हैं अपनी सीट पर रहिए, वहां सुरक्षा के पूरे उपाय करिए, एक पॉसिबल डिस्टेंस बना के रखिए, अपने हाथों की सफाई करते रहिए, और यही एक देखो तरीका हो सकता है, बाकी डेफिनेटली जब हम बाहर काम के लिए जा रहे हैं लेकिन अपने कार्यस्थल पे भी अपने कुलीग के साथ अननेसेसरी मीटिंग मत करिए, अननेसेसरी भोजन मत शेयर करिए, अपना अपना खाना ले जाइए, अपना अपना पानी लीजिए, चुपचाप काम करके पूरी सुरक्षा के साथ, अगर प्राइवेट अपना ट्रांसपोर्ट है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नेचुरली इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा थोड़ा ज्यादा रहे जी। और छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, इंदर भांजी से बात करते हैं, क्या सवाल है उनका? हेलो इंदर भांजी सर, जी मैं बोल रहा हूँ, कोरोना शरीर में आ गया तो जी, तो एक मतलब कैसे पता चलेगा कि ये मतलब ये लक्षण है? कभी कभी नहीं आता है जी, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को कैसे पता चलेगा? काफी बातें कर सके क्योंकि, लेकिन देखिए कोरोना के बाद भी मैं आपको बता दूं कि 40% लोगों में तो कोई लक्षण ही नहीं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और हेलो जी जी डॉक्टर साहब जी हाँ, और जिनको लक्षण होते हैं जैसे हम बार बार कर रहे हैं कि उनको बुखार आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, नाक बह सकती है, छींकें आ सकती हैं, लेकिन आजकल कुछ नए लक्षण भी हैं जैसे उनकी सूंघने की शक्ति जा सकती है, उनका स्वाद जा सकता है, उनको कई बार उल्टी दस्त भी लग सकते हैं, मसल्स में पेन वगैरह भी हो सकते हैं, फिर कुछ लोगों को जो है आंखों से भी कुछ प्रॉब्लम नजर आई है, तो वेरिएंट सिम्टम आए, लेकिन मोटे सिम्टम जो है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम ही होते जी। और अब हम रुख करते हैं कोटला का, उत्तर प्रदेश से, जहां से अमित तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अमित जी नमस्कार। हेलो जी अमित जी। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? अनिश कल जी नमस्कार। जी अमित जी बताएं। ये कोटला जिला जालौन से आपका नेम श्वेता अमित तिवारी बोल रहा हूँ। जी अमित जी, जैसे कि सर जी सभी लोग जान रहे हैं और देख ही रहे हैं कि मतलब यह बीमारी इतनी भयंकर फैली हुई है, तो सर इतनी भयंकर बीमारी है कि लोग यदि मास्क थोड़ा सा भी हटते हैं, यदि थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो संक्रमित हो जाते हैं जी। तो सर ये बताइए कि ऐसे में लोग भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या इतने में वायरस हम पर मतलब आ जाएगा तो क्या मतलब हम संक्रमित नहीं हो सकते हैं? जी डॉक्टर वाशी, आप तो ये सवाल का मैंने पहले भी जवाब दिया कि अगर देखिए आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर के बीच में जहां सब लोग सुरक्षित हैं वहां अपना भोजन साथ में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपके साथ आ रहा या कहीं आप बाहर, तो ये मान के चलिए कि किसी को भी इन्फेक्शन होता है उस समय किसी के साथ भोजन करने की या किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, जितना पॉसिबल है चुपचाप अपने एक तरफ अपना पानी पीजिए, भोजन करिए, और उतनी देर के लिए और जिस समय आप भोजन पानी कर रहे हैं कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई ना हो, चुपचाप अपने किसी केबिन में या अपनी जहां पे भी जगह है चुपचाप करें, अपने हाथ को मास्क पहने और उतनी देर सिर्फ अपना मास्क, क्योंकि देखिए अब ये कहना कि साहब हम भोजन ही नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे वो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सावधानी वही है कि अनयूजुअली किसी से भी ना मिले,
जी हर व्यक्ति को ये माने कि वो इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अकेले ही बस जो कुछ करना है हमें आप एक ही करें। बिल्कुल डॉक्टर वार्ष्णेय, दिल्ली से काजल का ये ईमेल आया है और जानना चाहते हैं कि 8 से 10 दिन हो गए इनको फीवर आते हुए और आज ये 10वें दिन इनको 99 फीवर आया है, तो क्या इनको सीटी स्कैन कराने की जरूरत है? थोड़ा चेस्ट में पेन भी है। देखिए सीटी स्कैन तो हम जब भी एडवाइज करते हैं अगर इनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे गिर रहा है जी, लेकिन चूंकि 10 दिन बुखार हो गए तो जो बेसिक हम ब्लड के कुछ जरूर टेस्ट एडवाइज करते हैं, तो वो जो भी एक अपने डॉक्टर से जो भी इनके कंसल्ट में है या हेल्थ केयर फैसिलिटी कर लें तो कुछ आवश्यक टेस्ट से हमें ये पता लग सकता है कि फीवर का एक तो कोई और कारण नहीं है और दूसरे फीवर की वजह से बॉडी में कोई कोविड पॉजिटिव मार्कर तो नहीं बढ़ रहा है, उसके बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करेंगे जी मार्कर टेस्ट कराने हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच जम्मू से संजय विरोधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। हेलो संजय जी। जी संजय जी नमस्कार। जी जी नमस्कार सर, मैं संजय विद्रोही बोल रहा हूँ जम्मू से। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि आपके यहाँ से मैं हर रोज प्रोग्राम सुनता हूँ जी, तो ये बताया जाता है कि वैक्सीन जिसने लगा ली तो उसको मतलब वो सेटल नहीं हो सकता है कोरोना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कल हमने पंडित राजन मिश्रा जी को खो दिया जी, तो उन्होंने भी तो वैक्सीन मतलब दो लगवाई होंगी क्योंकि वो तो बड़े स्पेशल आदमी थे, तो फिर उनको ये क्यों प्रॉब्लम हुई सर? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए ऐसा होता है कि जनरली अभी तक ये देखा गया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन की अपनी ले ली और फिर 15 दिन कम से कम निकल गए तो वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए कोरोना जरूर हो सकता है उनको हुआ हो, लेकिन चूंकि पूरी हिस्ट्री नहीं पता, हो सकता है उनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, या किस वजह से उनका मतलब दुर्भाग्य से देहांत हुआ, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमें जो है एक बीमारी होती है, लेकिन पुराने बुजुर्ग पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज होती है, उन्हें तो चीज एक कोरोना का नाम जरूर लगा, लेकिन हम लोगों ने फिर देखा कि कई बार उनको हार्ट अटैक पड़ गया या कोई और हो गया और उसकी वजह से मृत्यु हो गई, तो इसलिए उस पर अभी कमेंट कर पाना मुश्किल होगा। और जी बिल्कुल जरूर लगवाएं जिसको भी मौका लगे जरूर, काफी हद तक ये वैक्सीन प्रभावी है और वैक्सीन वाले को इन्फेक्शन का पीछे डाटा आए हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनमें केवल 10,000 में 2 से 4 लोगों को ही इन्फेक्शन हुआ है और जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए वैक्सीन का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं है, तुरंत लग। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में समय कम है, हम अपने लास्ट कॉलर ओडिशा से बुल्लू पटनायक जी का सवाल लेते हैं, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। हेलो जी बुल्लू जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार स्वागत है। बुल्लू पटनायक केन्द्र डिस्ट्रिक्ट ओडिशा स्टेट। यस बुल्लू सर, व्हाट डू वांट टू नो? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज रेमडेसिविर? व्हाट इज रेमडेसिविर? यस डॉक्टर, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है और ये बड़ी स्पेसिफिक दवा है और अभी आपको जानकार होगा इसके बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में जो है इमरजेंसी यूज का अप्रूवल WHO ने पहले दिया था, वो भी अब विड्रॉ कर लिया है, इसलिए रेमडेसिविर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि किस स्टेज पे अगर किसी को आवश्यक है भी तो देने की जरूरत है नहीं, परंतु ज्यादातर ये डाटा दिखाते हैं कि बहुत ही कम परसेंटेज में रेमडेसिविर की जरूरत होती है और उसका भी प्रभावी रेट बहुत कम है। अभी तक रेमडेसिविर से किसी की भी जान नहीं बचा सकती है, सिर्फ ये होता है कि जो ड्यूरेशन होता है अस्पताल में वो कुछ कम हो जाता है, इसलिए रेमडेसिविर पे इतनी चिंता करने की बात नहीं जी, है बिल्कुल। और डॉक्टर वार्ष्णेय अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर वार्ष्णेय आप COVID-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर वार्ष्णेय ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए, कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, आपसे यही कहेंगे कि चुनौती की इस घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामे रहिए, आपकी उम्मीद आपका हौसला कोरोना से जंग जीतने में अहम कड़ी साबित होगा, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। COVID-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर AK वार्ष्णेय,
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।